दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चार बड़ी खबरें। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये न्यूज आपको जरूर पसंद आएंगी। तो दोस्तों अगर ये न्यूज आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उन लोगों को भी न्यूज के बारे में पता चल सके। तो चलिए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। ट्राई के नए आदेश से केबल डीटीएच कनेक्शन धारकों को मिली बड़ी राहत। ट्राई ने नियमों में बदलाव कर डीटीएच व केबल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ट्राई के नए नियमों से डीटीएच व केबल उपभोक्ताओं के बिल में काफी कमी आने की संभावना है। ट्राई के नए नियमों के अब उपभोक्ता 153 रुपए प्रति माह के खर्च पर 100 पे या फिर फ्री चैनल देख सकते हैं। ट्राई ने ग्राहकों को 31 जनवरी से पहले इन 100 चैनलों का चुनाव करने को कहा है क्योंकि नए नियम 1 फरवरी 2019 से लागू होने जा रहे हैं। ट्राई के अनुसार ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को इस स्कीम का फायदा मिल सके इसके लिए उन्हें फोन के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। ग्राहकों के लिए 2 फोन नंबर भी जारी किए गए हैं जिस पर कॉल करके वे सिलसिले में अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। नंबरों पर कॉल करके या फिर आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है नौकरी पेशा लोगों को लेकर। नौकरी पेशा लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत। इनकम टैक्स छूट में हो सकती है भारी बढ़ोतरी। वित्त मंत्रालय से इस बार बिल्कुल साफ संकेत मिल रहे हैं। इस बार सरकार का भले ही अंतरिम बजट हो लेकिन इस बार सरकार नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार छोटे टैक्स पेयर को बड़ा तोहफा दे सकती है। ये जो रियायत और राहत है वो अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं दी जाएगी बल्कि सीधे सीधे दी जाएगी। इसके लिए सरकार कई अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। एक विकल्प यह हो सकता है कि सरकार इनकम टैक्स में बदलाव कर दे। अगर इनकम टैक्स में बदलाव का सरकार मन बनाती है तो वहाँ पर कई सारे रास्ते हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स स्लैब का पहला स्लैब है जिसमें 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का स्लैब है। इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। इससे छोटे टैक्स पेयर्स को राहत मिल जाएगी। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी 40,000 रुपए मिलता है उसकी रकम को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि अभी इनकम टैक्स की जो दरें 5%, 20% और 30% उसका दायरा थोड़ा सा और बढ़ाया जाए और उसमें एक और स्लैब डालें ताकि छोटे टैक्स पेयर्स को टैक्स का बोझ कम पड़े और जो बड़ी आमदनी वाले लोग हैं उन पर टैक्स का बोझ ज्यादा पड़े। इन विकल्पों के जरिए सरकार छोटे टैक्स पेयर्स और नौकरी पेशा लोगों को राहत दे सकती है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है पीएफ धारकों को लेकर। चुनावी साल में मोदी सरकार का एक और तोहफा, पीएफ पर ब्याज दर बढ़ी। चुनावी मौसम में केंद्र की मोदी सरकार ने आम आदमी को एक और तोहफा दिया है। सरकार ने पीएफ समेत 10 भविष्य निधियों पर ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान किया है। इसमें अब जमा धन पर 8% ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ की अधिसूचना के मुताबिक नई दरें 1 जनवरी से लागू होंगी। इसका सीधा फायदा देश के 6 करोड़ खाता धारकों को होगा। आपको बता दें केंद्र सरकार बीती तिमाही से पहले 7.8% ब्याज दे रही थी। अब नई अधिसूचना के मुताबिक 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 तक पीएफ समेत 10 भविष्य निधियों पर 8% ब्याज मिलेगा। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। इतनी सैलरी बढ़ा सकती है सरकार। 68 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उन्हें 2019 लोकसभा चुनाव से पहले फायदा मिलने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार अगली कैबिनेट बैठक में एनडीए सरकार इस संबंध में कुछ बड़े फैसले ले सकती है। सरकार द्वारा सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का फैसला करने के कुछ दिनों बाद यह खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 7वें वेतन आयोग से परे 18,000 से 21,000 तक बढ़ाया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये न्यूज आपको जरूर पसंद आई होंगी और अगर आपकी कोई भी राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।